अगर दमकती और ग्लोइंग त्वचा चाहिए तो रात में सोने से पहले आपको जरूर ये काम करना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीता और आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपको दमकती और ग्लोइंग त्वचा चाहिए तो आप रात में सोने से पहले ये काम जरूर करें। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में हमारे जो चेहरे की जो स्किन होती है वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ओवरऑल बॉडी की स्किन जो है ड्राई हो जाती है। लेकिन मैं आज बात करने वाली हूँ सिर्फ फेस के बारे में। फेस की जो स्किन होती है वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ऐसे में आप अपने फेस का कैसे ख्याल रख सकते हैं, इसी के बारे में कुछ टिप्स आसान से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास मिल जाए। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक स्किन को नेचुरल ग्लो अगर चाहिए तो रात में सोने से पहले त्वचा की देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो करनी ही चाहिए, तभी आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। अभी ये सर्दी के मौसम में सबसे पहले अगर आप मेकअप डेली मेकअप करते हैं तो रात को सोने से पहले आप अपना मेकअप रिमूव करना ना भूलें। अगर आप मेकअप नहीं भी करते हैं डेली, फिर भी सोने से पहले आप अपने फेस को ज़रूर वॉश करके सो सकते हैं। फेस को अच्छी तरह से वॉश करने के लिए आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप किसी भी प्रकार का अपने स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी फेस वॉश को यूज कर सकते हैं। स्किन की ड्राइनेस को दूर करने के लिए रात में सोने से पहले आप पहले स्किन पर मॉइस्चराइजर अप्लाई करना ना भूलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे स्किन के लिए मॉइस्चराइज करना। और रात में सोने से पहले नाइट क्रीम भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो डैमेज हो जाती है स्किन, उसको काफ़ी हद तक रिपेयर करने का काम जो है नाइट क्रीम करती है। तो गाइज ये दोनों भी चीज़ हमारे रात में सोने से पहले हमारे चेहरे पर लगनी चाहिए डेली टू डेली रूटीन के लिए। इससे हमारी जो स्किन है बहुत ज़्यादा अच्छी ग्लोइंग चमकदार और हाइड्रेट रहती है। तो गाइज इसको ज़रूर आप यूज कर सकते हैं। करने के लिए आप सिल्क या सॉफ्ट तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेशम का तकिया जो होता है आपकी स्किन की नमी को बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, तो आप इसका खास ख्याल रख सकते हैं। बहुत से लोगों में क्या होता है कि मुंह के बल सोने की आदत होती है। इससे क्या होता है कि हमारे चेहरे के स्किन के लिए ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि सर में ही हमारे स्किन के झुर्रियां पड़ने की जो चांसेस है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि पीठ के बल ही सोए, मुंह के बल ना सोए, और ये अपने तभी सोने से पहले एक घंटे पहले स्क्रीन को यूज कर नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जो फेस की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है। जैसे कि हम मोबाइल, लैपटॉप, टैब, जो भी चीज़ें होती है वो हमारे सोने से एक घंटा पहले ही उसको बंद कर देनी चाहिए, वो बिल्कुल ना यूज़ करनी चाहिए। इससे हमारी जो स्किन है बहुत ज़्यादा हेल्दी और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अपने नाइट स्किन केयर के रूटीन को अपने आदतों में ये ज़रूर शामिल करना चाहिए। इससे हमारी जो हमारी स्किन जो है, हमारे जो ओवरऑल हेल्थ है, ये भी हमारे लिए बहुत इसका फायदेमंद हो सकता है। तो गाइज ये कुछ दो चार टिप्स थी, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें अपने नाइट में। सबसे पहले तो आप अपने फेस को क्लीन करना है, देन उसके बाद जो मॉइस्चराइजर लगाना है, उसके बाद जो है नाइट क्रीम को ज़रूर अप्लाई करना है, उसके बाद जो है अच्छे मुलायम तकिए का इस्तेमाल करना है सोने के लिए, उसके बाद जो है पीठ के बल ही सोना है, और उसके बाद जो है आप एक घंटा पहले स्क्रीन से दूर होना है। ये जो कुछ आदतें हैं ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है और हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी है। तो गाइज वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टिप्स के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।